नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भंडारा में निर्भया जैसी घटना, पीड़ित की पास सर्जरी करानी होगी, नीलम गोरे की जानकारी। नागपुर मंडल को केंद्र से मिले 2.5 लाख झंडे, हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की राधाकृष्ण बी की अपील। और वर्धा में कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय ध्वज बिक्री केंद्र का उद्घाटन, आसानी से झंडे उपलब्ध कराने के लिए पहल। से एक 35 वर्षीय विवाहिता को एक गोदाम में मदद का झांसा देकर जंगल में ले जाया गया और हैरान कर देने वाली घटना भंडारा में हुई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नीलम गोरे ने कहा कि अखबार ने नोटिस लिया तो पता चला, मैंने पुलिस महानिरीक्षक से बात की है, इस मामले में एक भी आरोपी का अभी तक पता नहीं चला है, उसका परिवार गरीब है, पीड़िता को 5 सर्जरी से गुजरना होगा। साथ ही नीलम गोरे ने कहा कि यह घटना निर्भया जैसी ही है और पीड़िता का संघर्ष जारी है। क्या आणि शेवटी 1 तारखेला ती जिल्ह्यामध्ये, गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आणि भंडाऱ्याच्या बॉर्डरला असणाऱ्या गावामध्ये, एका छोट्याशा गावामध्ये पूर्णपणे निवस्त्र अवस्थेमध्ये सापडली। गावकऱ्यांनी तिला कपडे वगैरे देऊन पोलिसांना कळवल्याबरोबर पोलिसांनी घटनेची दखल घेतली। कालच मी या घटनेची दखल मला माहिती झाल्यावरून घेतली, पण घटना घडते 1 तारखेच्या सुमाराला ती उघडकीस येते पोलिसांकडे। वृत्तपत्रांसारख्या लोकसत्ता आहे, सकाळ आहे, यांनी त्याची दखल घेतली, आम्हाला त्यामुळे इथे कळलं। आणि त्यानंतर जवळजवळ 4 ऑगस्टनंतर सगळं या संदर्भामधलं हालचाली कालपासून सुरू झालेलं आहे। 3 ऑगस्टला मी पोलीस महानिरीक्षकांशी बोलले, त्याचबरोबर त्या हॉस्पिटलमध्ये त्या गाव ॲडमिट केलेलं आहे, त्यांच्या कुटुंबियांशी बोलले, आमच्या शिल्पा बोरके म्हणून तिथल्या शिवसेना पदाधिकारी आहेत त्या सगळ्या महिन्यांमधून भेटून आल्या। अजूनही 1 आरोपी सापडलेला नाही आहे आणि तिचे कुटुंबीय तर अतिशय गरीब आहेत। आणि निर्भयासारखी जी दिली ती घटना आहे, त्याच्यावरती 5 शस्त्रक्रिया करायला लागणार आहेत, त्याची 1 शस्त्रक्रिया मेडिकल हॉस्पिटलमधल्या अधिकाऱ्यांनी आणि शस्त्रक्रिया सर्जन्सनी केलेली, मी त्यांच्याशी बोलले, एकदम सर्व शस्त्रक्रिया करता येत नाही, कारण टप्प्याटप्प्याने शरीराची प्रतिकात्मक शक्ती वाढवून, प्रतिकार वाढवून, अँटीबायोटिक्स वगैरे देऊन परत एकामागून एक तिच्या शस्त्रक्रिया करायला लागणार आहे। अशा परिस्थितीमध्ये तिची झुंज चालू आहे। घटना पोलिसांकडे जर का 1 ऑगस्टच्या सुमाराला नोंदवली गेली तर आज 3 दिवस होऊन गेले, त्याच्याबद्दल स्थानिक पोलिसांनी लक्ष घातलेलं आहे, परंतु 2 आरोपी अटक झालेले, पण मूळचा जो आरोपी होता तो अजूनही पकडला गेलेला नाही आहे। आणि त्यामुळे प्रत्येक वेळेला आपण अशा घटना घडल्या की त्याच्यानंतर आम्ही प्रतिक्रिया देतो, नंतर मग आरोपी पकडतो, पण नागपुर में वन विभाग द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। यह आयोजन नागपुर के प्रेस क्लब में किया गया था। इस वक्त वन विभाग वन्य जीव द्वारा कैमरा ट्रैप खरीदी में पारी अनियमितता के बारे में भी जानकारी दी गई। विल देहरादून द्वारा कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की गिनती हेतु हर 4 वर्ष में की जाती है। विट द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कैमरा ट्रैप में व्हाइट फ्लैश तापमान का होना आवश्यक था। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व द्वारा 7 अप्रैल 2022 को व्हाइट फ्लैश कैमरा हेतु निविदा बुलाई गई, जिसमें 5 निविदा कार सम्मिलित हुई, जिसमें एक निर्माता कंपनी का उत्पादन 3 कंपनियों ने डाला था, बाकी अन्य 2 निविदा कार के उत्पादन अन्य में एक मॉडल के थे। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी अड़चन निर्मिति होने का आदेश जारी दिनांक 4 मई 2022 को निविदा को निरस्त कर दिया गया। इसके अगले दिन जेम पोर्टल पर डायरेक्ट बाइंग मोड के माध्यम से 25 कैमरों की संख्या लगभग ₹19,998 में 19 मई 2022 तक 500 कैमरा के आदेश टुकड़ों में अपने पसंदीदा कंपनी को जारी कर दिए गए, ऐसी जानकारी इस पत्र परिषद में दी गई। मैं यज्ञदत्त आचार्य, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और हमारे साथी है गुरेश जी येड़े है, वो भोपाल से है। ट्रैप कैमरा की टेंडर्स होते हैं फॉरेस्ट में और काफ़ी सालों से देखा गया है कि वो सिर्फ एक और एक ब्रांड और एक ही प्रोडक्ट को उन लोग रिपीट करते हैं,
एक ही सप्लायर रहता है उसमें, और उसको एन एन प्रकार से ऑर्डर दिया जाता है। अभी रिसेंट में उन्होंने टेंडर किया था सीपीपी पोर्टल पे, और टेंडर करने के बाद में ई निविदा किया, ई निविदा को तकनीकी कारण की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया पूरा टेंडर को। उसमें भी उनकी तरफ से तीन पार्टी आई थी, और भोपाल से भारतीय केमिकल, भारतीय कम्युनिकेशन से मेरे मिस्टर गुरुवर्षी हेड़े जो मेरे साथ में है वो, और मैं, दोनों ने हमने टेंडर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में टेंडर को निरस्त कर दिया गया। टेंडर निरस्त करने के बाद में अभी उन्होंने 4 तारीख को टेंडर निरस्त किया, और 5 तारीख को उन्होंने ग्रेजुअली 5-5 लाख रुपए के टुकड़े में करके पूरे टेंडर्स निकाल, ऑर्डर्स निकाल दिए। तो ये पूरा करीब 1 करोड़ रुपये करीब का ऑर्डर कारवा टाइगर रिजर्व निकाल लिया है। इसके अलावा इन्होंने वही सामान जो 20,000 रुपये में करीबन साड़ोवा में दिया हुआ है, वही कंपनी ने पेज टाइगर रिजर्व में 24,500 रुपये में दिया हुआ है, और उसके अलावा वहाँ पर ब्रह्मपुरी में भी वो करीबन 24,500 रुपये में दिया हुआ है। सेम सामान, सेम चीज़, सेम पार्टी सप्लाई, इस टाइप के पूरे चल रहा है। तो अब अतिरेक हो गया था, तो फिर हमको ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। हमने पूरे ऑफिसरों के साथ बातचीत करने की कोशिश किया, लेकिन क्या रिप्लाई है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है सर, और बोलता है कि जो करना है आप कर सकते हैं, बोले दैट्स इट। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। युवाओं को स्टार्टअप के बारे में जानकारी देने के लिए कौशल्य रोजगार उद्यमिता और नवाचार समिति की ओर से 17 से 26 अगस्त तक नागपुर जिले में स्टार्टअप और इनोवेशन यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा के माध्यम से नागरिकों को नवीन अवधारणा, इनके पहलुओं और विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। नवीन विचारों वाले नागरिक को भी पंजीकृत किया जाएगा। इन यात्राओं के पीछे का उद्देश्य जिले में नए उद्यमियों और नवीन विचारों को खोजना और उन्हें स्थानिक स्तर पर एक मंच प्रदान करना, प्रोत्साहित करना, मार्गदर्शन करना, फंड करना और नए उद्यमियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना, उद्यमिता और नवविचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। जिन उम्मीदवारों ने अभिनव गतिविधियां की है या करने के लिए इच्छुक है, उन्हें यह यात्रा के माध्यम से अपने कौशलों को दूसरों के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर नागपुर मंडल में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभाग में सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठानों और घरों पर सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा और नागरिक भी सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज लहरा कर इस अवधि में भाग ले, ऐसा आह्वान संभाग के आयुक्त राधाकृष्ण बी ने किया है। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और जागरूकता के अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। नागरिकों को स्वयं राष्ट्रीय ध्वज खरीदने और खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। केंद्रीय गृह विभाग के 31 दिसंबर 2031 की अधिसूचना के अनुसार ध्वज संहिता को बदल दिया गया है और उन्हें सभी से तदनुसार पालन करने की अपील की है। नागपुर मंडल में विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं मकानों की संख्या 28,83,649, नागपुर जिला ग्रामीण 3,72,262, महानगर पालिका 6,28,245, कुल 10,507, वर्धा 3,30,843, भंडारा 3,16,662, गोंदिया 3,55,594, चंद्रपुर ग्रामीण 3,97,034 और नगर निगम 1,84,615 में से कुल 5,81,649 और गढ़चिरौली जिले में 2,98,404 प्रतिष्ठान शामिल है। साथ ही संभाग में 24,67,718 तिरंगे झंडों की मांग है। नागपुर ग्रामीण 3,72,262, नगर निगम 6,72,262, वर्धा 3,30,803, भंडारा में 3,16,640, गोंदिया 3,55,594, चंद्रपुर ग्रामीण 3,50,734, नगर निगम में 1,43,551 और गढ़चिरौली जिले में 2,98,404 में से कुल 4,93,985 राष्ट्रीय झंडों की मांग है। खऱ्या अर्थाने या महोत्सव 13 मार्च 2021 पासून सुरू करण्यात आलं होतं। वेगवेगळ्या टप्प्याटप्प्याने या प्रोग्राम करत असतो, आणखी एक वर्षभर चालणार आहे, म्हणजे 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत या महोत्सवाचा आपण साजरा करणार आहोत। त्याचा एक महत्त्वाचा टप्पामध्ये आपण आहोत, ते स्वराज्य महोत्सव आणि त्या अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम, सन्माननीय
पंतप्रधान महोदयांनी सर्व देशवासियांना आवाहन केलेले आहे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारनी याचा सविस्तर नियोजन करून आपल्या गाव पातळीवरपासून देश पातळीवरपर्यंत कशा प्रकारचा या हर घर झंडा कार्यक्रम सर्वांनी साजरा करावी असा अपेक्षा व्यक्त केलेली त्याचं अनुषंगाने आपल्या विभागामध्ये पण अतिशय जल्लोष प्रमाणे याचा साजरा होणार आहे. त्यासाठी जे काही तयारी आपल्या सहाही जिल्ह्यामध्ये करण्यात आलेली त्याच्या संदर्भात एक सविस्तर माहिती देण्याकरिता आपल्याला या ठिकाणी बोलवलेले. यामध्ये या चर्चेच्या नंतर आपण एक सविस्तर प्रेस नोटसुद्धा आपल्याकडे देणार आहोत. सर्वात महत्त्वाचं जे हर घर तिरंगाचं महत्त्व सर्व लोकांना कळलं पाहिजे. आपण यामध्ये सर्व विभागांना सामील करून घेतलेले, पोलीस विभागापासून लाईन डिपार्टमेंट, इरिगेशन, MSEB सर्व प्रकारच्या विभागांना यामध्ये भाग देण्यात आलेले. त्यामध्ये आपण सर्वात महत्त्वाचं आहे जवळपास आपल्या डिव्हिजनमध्ये 26,000 म्हणजे ऑलमोस्ट 26,620 एस्टॅब्लिशमेंट्स म्हणजे यामध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी, आपला जो कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, ZP इमारत, ग्रामपंचायतचं इमारत आणि पोलीस स्टेशन, अंगणवाडी, सब सेंटर, PHC, सब डिव्हिजनल हॉस्पिटल असं सर्व प्रकारचे केंद्र आपण जवळपास सगळ्यांना मॅपिंग केलेले आणि खाजगी आपला ऑफिसर्सच्या ठिकाणी अशा प्रकारचे जवळपास 27,000 लोकेशनमध्ये आपला 13 ते 15 दरम्यान झेंडा फडकवण्याचं नियोजन केलेले. एक आणखी महत्त्वाचं सूचना आपण लोकांना आपल्या माध्यमातून देणे आवश्यकता आहे. एक विशेष मुभा देण्यात आलेली आहे. आपण झेंडा आपण ज्यावेळी आपण ध्वजवंदन करतो, ध्वजारोहण करतो, आपण संध्याकाळी आपण त्याला काढून घेतो. यावेळी मात्र कॉमन पब्लिकला त्याच्यातून शिथिलता देण्यात आलेली आहे. 13 ते 15 दरम्यान त्यांनी परत त्यांनी उतरवण्याचा आवश्यकता नाही आहे. 13 ते 15 कंटिन्युअसली त्यांनी फडकवण्यासाठी काही अडचणी नाही आहे. मात्र 15 तारखेच्या नंतर मात्र व्यवस्थितपणे त्याला जतन करून स्वतःकडे ठेवायला पाहिजे, कुठेही फेकायला नाही पाहिजे. लोकांनी त्या जे ध्वजाचं जे आपला सन्मान आहे सन्मानपूर्वक जतन करून ठेवावी. त्याकरिता सुद्धा आपण वारंवार लोकांना आवाहन करण्याची आवश्यकता आहे. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. बाद आप सभी का स्वागत.
नागपुर में मेसर्स गार्गे ट्रेडर्स के मालिक धनंजय गार्गे को माल एवं सेवा कर विभाग ने करीब 10.35 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके लिए फर्जी सप्लायर आरोपियों का एक नेटवर्क बनाया गया था। मेमर्स प्रीमियम इंटरनेशनल के कर चोरी मामले की जांच के दौरान जीएसटी अधिकारियों के ध्यान में यह आया कि फर्जी सप्लायर व्यापारियों का एक नेटवर्क बनाया गया था। जाली दस्तावेजों के आधार पर 8 फर्जी फर्में बनाई गई, फर्जी भुगतान कर चोरी की जा रही थी। ऐसे ही एक मामले में मेसर्स गार्गे ट्रेडर्स के मालिक धनंजय गार्गे को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले इसी मामले में मेसर्स प्रीमियर इंटरनेशनल के मालिक मोहम्मद सलीम खान के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। यह कार्रवाई राज्य आयुक्त सचिन ढोंडारे, सहायक आयुक्त दीपक शिरगुरवार और संतोष हेमने व कर्मचारियों ने की। वर्ष के दौरान महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने 31 कर चोरों को गिरफ्तार किया। दूषित पानी के कारण देवदा और राजूरा तालुका के आसपास के गांव में आंत्रशोथ का प्रकोप हो गया है। देवदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहां 3 मरीजों की और एक ने घर पर ही दम तोड़ दिया है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने देवड़ा का दौरा किया और सीधे जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण लोगों की मौत का आरोप लगाया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले में हर घर तिरंगा अभियान बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। इस पहल में भाग लेने के लिए नागरिकों को आसानी से झंडे उपलब्ध कराने के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर बिक्री केंद्र शुरू किया जा रहा है। वर्धा में आज जिला स्तरीय फ्लैग बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर प्रेरणा देशभर्तर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर सचिन उम्बासे, जिला सूचना अधिकारी मंगेश वरकाड़ उपस्थित थे। हर घर तिरंगा पहल, इसे 13 से 15 अगस्त तक 3 दिनों में लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत जिले में 3,50,000 झंडे लगाने की योजना है। इसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, बचत समूह, स्कूल, कॉलेज आदि भाग ले रहे हैं। कम कीमतों पर झंडे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए उम्मीद के माध्यम से बचत समूह द्वारा झंडों का निर्माण और बिक्री की जा रही है। उसके भीतर कलेक्टर द्वारा वर्धा बिक्री केंद्र वर्धा में जिला स्तरीय फ्लैग सेल का शुभारंभ किया गया। इस स्थान पर बचत समूह द्वारा उत्पादित झंडे बेचे जाएंगे। अभियानामध्ये आपला जो विक्री केंद्र आहे ते आपण प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये विक्री केंद्र उपलब्ध केलेले आहेत आणि प्रत्येक नगरपालिका हद्दीमध्ये पण आहे। हे आपलं वर्धिनी विक्री केंद्र आहे, जे एस एच जीच्या गटांसाठी जी विक्री प्रॉडक्टची विक्रीसाठी एक्सक्लुसिव्ही आहे। तर इथे वर्धिनी केंद्राने पण एक घरोघरी तिरंगाचा स्टॉल ठेवला आहे, तर त्याच्याच इथूनच आता विक्री प्रारंभ होत आहे। आणि नागरिकांना हेच आवाहन आहे की आपण जसं भारत आपली भारतीय संस्कृती जी आहे ती सगळी उत्सवांची आहे आणि सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण देव बघतो आणि आपण सगळ्या पद्धतीचे सण साजरे करतो, पण आपल्या सगळ्यांना जोडणारा जो एक सण आहे तो हा आपला सगळ्यांचा सर्व भारतीयांचा सण आहे। कन्याकुमारी तर ह्या सणामध्ये जसं आपण सगळे उत्साहात सगळे सण साजरे करतो तसा आपल्या देशाचा सण आहे ना, आपल्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वातंत्र्याची पक्षाने मिळवलेला आहे। खूप संघर्ष करून आणि खूप लोकांनी आहुती देऊन म्हणजे संघ मिळवलेला आहे, तर हा याचाच सण आहे। आणि आपण आपल्या संस्कृती जसं आपण सगळे सण साजरे करतो तर तसा हा आपला सगळ्यात महत्त्वाचा सण आहे, कारण सगळ्यात पहिले आपण भारतीय आहे आणि आपला सणाची आता सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे, सगळ्यांमध्ये चांगलं वातावरण आहे, तर जास्तीत जास्त लोकांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हावं। मंत्रियों के अधिकार सचिवों को देने के मुख्यमंत्री के फैसले पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब माननीय शंकरराव चौहान साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब सचिवालय का नाम बदलकर लोकोन्मुखी मामलों के मंत्रालय कर दिया गया था। लोकतंत्र में सरकार को जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाना चाहिए, न कि अधिकारियों द्वारा। नौकरशाही के हाथ में महाराष्ट्र छोड़ना ठीक नहीं है। शंकरराव चव्हाणांनी सचिवालयाचं मंत्रालय नाव करण्याचं कारण असं होतं की लोकाभिमुख प्रशासन, लोकांना आपलं वाटावं, हा त्याच्या मागचा उद्देश होता। लोकप्रतिनिधींचंच वर्चस्व असावं, कारण लोकप्रतिनिधी हे लोकांमधून निवडून येतात, निर्णय त्यांचे असावे, सचिवांचे नसावे, एक परीक्षा देऊन आलेल्या। पण आज ही शासन प्रशासनाची चाकं जी आहे ती उलटी फिरवण्याचं काम जे आहे ते एकनाथराव शिंदे यांनी केलेलं आहे। आणि माझी खात्री आहे की बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्रीच राज्य चालवत आहेत आणि ते जसं म्हणतात त्याला मम म्हणण्याचं काम जे आहे ते एकनाथराव शिंदे करतात आहे। आणि दुसरी एक गोष्ट ही पण लक्षात आलेली आहे, बंड तर आपण करून घेतलं पण आपण मंत्रिमंडळ स्थापन करू शकत नाही आहे,
का आपला भाजपनी केसांनी गळा कापला? शिवसेना संपवण्याच्या नादामध्ये अनेक चांगल्या लोकप्रतिनिधींचे कारकीर्द संपवण्याचा हा कार्यक्रम सुरू आहे का? अशा अनेक शंका ज्या आहेत त्या उपस्थित झालेल्या आहेत. मंत्रिमंडळ करता येऊ नये ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातली पहिली घटना आहे आणि जनतेशी काही घेणं देणं नाही, फक्त सत्ता महत्वाची आहे हा भाजपचा खरा चेहरा तोही या निमित्तानं जनतेसमोर आलेला आहे. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि विनंती करतो. सचिवाच्या मार्फत महाराष्ट्र चालणार नाही, महाराष्ट्र लोकप्रतिनिधींच्या मार्फतच चालला पाहिजे. शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत कल सीताराम मूलचंद शाहू इस तड़ीपार गुंडे ने उसके दोस्त निखिल गोखले की हत्या करने के उद्देश्य से उसने वाद विवाद किया था. इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी सीताराम मूलचंद शाहू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. यह आरोपी अमरावती से तड़ीपार था. सीताराम मूलचंद शाहू हा तड़ीपार गुंड है. त्याने 4 तारखेला त्याचा मित्र निखिल गोखले याला ठार करण्याच्या उद्देशाने त्याच्यावर भांडणं केली होती आणि ही माहिती आम्हाला समजली की असं केलं आहे. त्यानुसार मग त्याला अटक केलेली आहे. 307 त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. हा पाचपावली पोलीस स्टेशन येथून तडीपार आहे अमरावतीला गेले 25 वर्षापासून आणि काल तो आला होता. त्याला असं वाटत होतं की त्याची बायको आणि पाचपावलीचाच एक गुन्हेगार आहे निखिल गोखले, याच्यावर तिचे अनैतिक संबंध आहे, त्याचा राग मनात धरून त्याला मारण्यासाठी तो आला होता. VKB न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही. फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.